डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं आप, क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस में अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स में अभ्यास के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज का ये हम लोग का लास्ट क्लास है, क्योंकि मात्र और मात्र 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है अभ्यास के क्वेश्चंस का, जो कि आज हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 तक के हम लोग कर लिए थे अम्ल, क्षार और लवण के अभ्यास के प्रश्न में। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पहले नोट डाउन कीजिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोलते हैं, आपके पास बुक होगा तो और सहूलियत है आपको लिखने के लिए क्वेश्चंस, तो लिखा जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? पूर्णविराम, इसकी व्याख्या करें। चलिए, सवाल सबसे पहले समझिए कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, उसको आर्द्र रोधी का मतलब जल के संपर्क में नहीं रखा जाता है, नमी के संपर्क में नहीं रखा जाना चाहिए। क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसका व्याख्या हम लोगों को करना है। तो जैसा कि हम आपको दोस्त बताए थे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं, CaSO4.5H2O होता है, और जब वो वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सम नामक एक यौगिक बनाता है, जो कि बहुत ही ठोस पदार्थ का होता है, ठीक है। जिसका फार्मूला जिप्सम का अगर बात करें तो CaSO4.2H2O होता है। तो हम लोग यहाँ पे उत्तर लिखना शुरू करेंगे। लिखा जाए आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है। उसके नीचे हो सके तो आप अभिक्रिया लिख देंगे कि CaSO4.5H2O हो गया हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लस 3/2H2O, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, CaSO4.2H2O, जिसको कहते हैं हम लोग जिप्सम, ठीक है। तो ये नीचे अभिक्रिया उसके नीचे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा जाए, क्या लिखा जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दो उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया दोस्त, हम जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं जो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं, तब इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हों, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़े हुए हैं। खैर, इसका उत्तर लिखा जाए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखेंगे,
जैसे मान लिया एन ए ओ एच, ये क्या है भाई, तो इसके नीचे लिख देंगे क्षार। जब ओ एच सी एल, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि अम्ल है, अभिक्रिया करा तो एन ए सी एल, ये क्या बनाया, लवण, और ये बनाया जल, तब हम इसको कहेंगे क्या कि ये उदासीनीकरण का अभिक्रिया हो गया। तो पहला अब एग्जाम्पल लिख देना है क्योंकि उदाहरण भी लिखना था। दूसरा उदाहरण लिख देंगे के ओ एच, ये क्या है भाई, क्षार, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्लस एच एन ओ थ्री, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो ये किस कैटेगरी में हुआ, अम्ल की कैटेगरी में। फिर हुआ पोटेशियम नाइट्रेट के एन ओ थ्री, ये क्या बना, तो लवण, और प्लस में जल। तो इस तरीके के दो उदाहरण भी हम लोगों को यहाँ पे देना था, दो उदाहरण दे दिया। चलिए आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, लिखा जाए क्वेश्चन, धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग बताइए। जी हाँ, हम लोग सब सबके बारे में पढ़े हैं कि क्या होता है धोने के सोडा, क्या होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग हम लोगों को बताना है। तो चलिए पहले उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में धोने के सोडा के दो प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं, यानी सबसे पहले हम लोग धोना धोने वाला सोडा का दो उपयोग लिख लेंगे, उसके बाद बेकिंग सोडा का भी दो उपयोग हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखे हम लोग उत्तर में, धोने के सोडा के दो प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहले धोने के सोडा का क्या क्या उपयोग है, तो जब हम धोने वाले सोडा के बारे में पढ़ा रहे थे तो हम वहाँ पर बताए थे इसका दो तरह का उपयोग है, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी उपयोग करते हैं, कांच साबुन और कागज के उद्योगों में भी इसको उपयोग करते हैं। तो पहला लिखा जाए कांच साबुन और कागज उद्योग में, कागज उद्योग में ये धोने के सोडा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लिखा जाए जल के अस्थाई कठोरता को दूर करने में, तो इस तरीके से ये किसका उपयोग हो गया, दोठो ये हो गया धोने के सोडा का उपयोग। फिर उसके नीचे लिखेंगे बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। अब के बारे में किसके बारे में लिखा जाएगा, बेकिंग सोडा के बारे में, कि बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला में लिखा जाए, पहला अग्निशामक में, अग्निशामक के बारे में हम लोग समझे थे कि जब कहीं भी आग वगैरह लग जाता है उस आग को बुझाने के लिए भी हम लोग अग्निशामक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बेकिंग सोडा की कुछ मात्रा उपलब्ध होती है। तो पहला अग्निशामक में, दूसरा पकवान को मुलायम बनाने में, पकवान को मुलायम बनाने में, ये भी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी नमकीन या फिर ऐसा कचौड़ी बनाया जाता है जिसमें उसको फुलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा मिलाते हैं, खाने वाला सोडा मिलाते हैं, ताकि वो क्या हो, पूरा एकदम मुलायम हो, भुरभुरा हो, इसलिए हम उसको उसमें डालते हैं। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का चैप्टर जो अम्ल और क्षार लवण चल रहा था दोस्त, ये पूरी की पूरी तरीके से आज हम लोगों का एंड हो गया। आप जैसा कि जानते हैं हम लोग साइंस अल्टरनेट में पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम लोग फिजिक्स का भी दो चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री का भी दो चैप्टर, बायोलॉजी का एक ही चैप्टर हुआ है, तो अब इसको भी दो करने के लिए अब हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल हम लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सेक्शन से 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग अगले क्लास से बायोलॉजी के चैप्टर को पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में अगर बात करें तो हम लोगों का एक ही चैप्टर क्लियर है, वो जीव विज्ञान 6ठा वाला चैप्टर जिसका नाम था हम लोगों का जैव प्रक्रम, वो हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग बायोलॉजी के 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। तो दोस्त ये 7 चैप्टर को यानी कि अगले क्लास में हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7, नियंत्रण एवं समन्वय।
तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में बायोलॉजी के क्लास के साथ, चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी, जिसका नाम होगा नियंत्रण एवं समन्वय। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।